ला रहे। तो निकल पड़े भाई आज हम अपना ऊर्जा कप के लीग का लास्ट मैच खेलने के लिए। वो खुद तो चौधरी जी से बात कर रहे, आपने तब तक फोन काट दिया। सर है साथ में और ये पीछे देखो एक चेहरा, ये देखो जरा चौहान सर आज साथ में है, नारायण चौहान सर, अरुण बैठा हुआ है बीच में दुबक के, और ब्रिजलाल साहब देखो ये है कनेक्टिंग इंडिया वाले आदमी, तो सब तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो निकल पड़े राजपुर रोड यानी कि NIPBD से अपने लीग का आज लास्ट मैच है ना लीग का अपना, और आज चौहान सर साथ में है, ये देखो कभी अगल से कभी बगल से। पहुंच गए आर्यन छेत्री, ये निकल रही है अपनी किट, और चौहान सर तो आज बिल्कुल मतलब टीम के साथ हमेशा साथ में रहते हैं, और आज मैच देखने यहाँ भी पहुँच गए। एक दिन गलती से SGRR पहुँच गए, आज यहाँ पर हैं सही जगह, ये देखें टीम NIPBD। और ये तरुण भाई पहले से आ गए, वो ऊपर बैठे हुए हैं, तो अब जा रहे हैं आर्यन छेत्री। बहुत सुंदर सा ग्राउंड है, सामने मसूरी की पहाड़ियाँ। आज है लीग का अंतिम मैच यानी कि चौथा मैच रेंज पैंथर्स पुलिस के साथ। यह है ग्राउंड आर्यन छेत्री, ये यहाँ पर स्टेज, उधर लगता है कैमरा, और ये सामने है नेट्स, ये है, और ये देखो तरुण भाई पहले से आके बैठे हुए हैं इधर। ये बंदा है जो हमेशा टाइम पे और टाइम से पहले भी आ जाते हैं, ये इन्होंने पूरा नाप लिया होगा ग्राउंड। सेकेंड मैच रेंज पैंथर्स पुलिस, कप्तान भी पहुंच गए अब। तो ये है टीम NIPBD, देखो लंबे हो गए, इंतजार है टॉस का। सामने है रेंज पैंथर्स पुलिस की टीम, देखो नवनीत, हाय नवनीत, गुड मॉर्निंग, बढ़िया। टीम NIPBD कैप्टन जा रहे टॉस के लिए, है टीम NIPBD, सो कैप्टन फॉर द टॉस। आपको बताइए अगर आप हर ओवर करना है, टाइम से होना चाहिए, मेरा मेन कंसर्न वही है कि मतलब सेकंड हाफ में तो जल्दी हो गया था, मतलब 5 बजे से पहले आपको हर ओवर खेलना है। स्पिन कर रहे हेड इज अ कॉल, हेड कॉल है, और ये सिक्का घुमा हेड्स, फील्ड लिया। सो NIPBD 11 जा रही है बैट करने को, दोनों अंपायर्स रेडी सब कुछ। और ये हिमांशु, हिमांशु थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कप्तान की, जिस तरह से चलते चलते बात करते हैं आज हम, टॉस जीता स्पिन कर रहे थे तो मैंने आपके चेहरे पे एक अलग सा दिखा था, लेकिन फिर भी जब टॉस वो जीते आज जी जी, और आपने 3 टॉस जीते थे, बिल्कुल क्या था आपके मन में, अगर टॉस जीते तो क्या करते, बैटिंग ही करते सर? उन्होंने हमारे बिल्कुल दिल की बात कर दी पूरी, क्योंकि क्या है कि पहला मैच है, तो बॉल थोड़ा गीला होगा, तो बॉलर्स को थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, तो आप क्योंकि आप DPL खेलते हैं और आपका काफ़ी साथ में खेले हुए प्लेयर्स हैं जी सर, कहाँ स्कोर बोर्ड को लगाना चाहेंगे आज अगर इस टीम की बात करूँ तो? सर कोशिश पूरी रहेगी कि एटलीस्ट हम इस टीम के खिलाफ 170+ जरूर करें, क्योंकि
इस टीम में भी काफी बड़े बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं, जैसे अर्पित राठी हर कोई जानता है, मतलब एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में उत्तराखंड में। तो हमारी कोशिश ये रही कि एटलीस्ट 180 तक हम लेके जाएं स्कोर, जिससे थोड़ा प्रेशर जो विपक्षी टीम है उनके ऊपर भी बने रहे। चलिए, ऑल द बेस्ट, मन की बात हुई है और देखते हैं आगे। अच्छा स्कोर आपसे आज भी, क्योंकि पिछले मैच में सेंचुरी और अनबीटन सेंचुरी खेली आपने, आज भी टीम को एक रहेगा सर आज भी। चलिए, ऑल द बेस्ट। मेहता सर शुरू हो गए, नॉक कराना शुरू कर दिया मेहता सर ने, दोनों ही बैटर तैयार हो गए अपने। दोनों ही तैयार हैं। नवनीत दोनों ही सलामी बल्लेबाज, उधर सामने शुभम सर, शुभम कनौजिया और इधर हैं हिमांशु। और ये है रेंज पैंथर्स पुलिस की टीम ग्राउंड में, और हमारे दोनों ही बल्लेबाज तैयार होते हुए। ये निकले दोनों बल्लेबाज और अब हम चलेंगे बाहर। दोनों सलामी बल्लेबाज हिमांशु थापा और शुभम कनौजिया, टीम NIPBD से। मौसम बिल्कुल साफ है, नीला आसमान, सामने मसूरी साफ दिखती हुई। आज रेंज पैंथर्स पुलिस के साथ अंतिम लीग मैच NIPBD का चौथा मैच है ये, आर्यन क्षेत्र के सुंदर वेन्यू पे, फिफ्थ ऊर्जा कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2024। इधर है टीम NIPBD का खेमा, इधर टीम NIPBD के प्रो प्लेयर अंकुश भाई, और एजुकेशन से हैं, प्रो प्लेयर हैं टीम NIPBD के, बहुत सौम्य में, लेकिन जब ग्राउंड में होते हैं तो अलग रूप में नज़र आते हैं। ले चलता हूँ, पहली बॉल वाइड बॉल, शुरुआत हो चुकी है। शुभम कनौजिया स्ट्राइक पर हैं और हिमांशु थापा नॉन स्ट्राइकर एंड पे, पहली बॉल वाइड बॉल ब्लैक में खेल रहे हैं रेंज पैंथर्स पुलिस की टीम, और हम अपने ऑलिव ग्रीन और येलो सेट के साथ। दूसरी बॉल ऊंची उठी थी, अपने खेलना चाहते थे लेकिन अच्छा राइज हुई। अभी थोड़ा शांति बनी हुई है इधर NIPBD के खेमे में। पहली वाइड बॉल, अगली अच्छी बॉल, फिर से एक बार ऑन साइड में खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं। अच्छा उछाल दिख रहा है आज। दो रन आए थे भाकरपुरे के दोनों ने इस बॉल पर, साइड में खेला गया था। अगली गेंद, लंबे कद के गेंदबाज हैं, फिर से खेल दिया है फील्डर बॉल के पीछे, ये निकल सकती है और ये पहली बाउंड्री शुभम सर के बल्ले से। ये देखिए, अब खेमे में थोड़ी सी चहल पहल हुई, टीम NIPBD का खेमा शुभम सर के बल्ले से निकला पहला चार। लंबे कद के गेंदबाज हैं, रन अप छोटा है लेकिन चहलकदमी करते हैं जब स्टंप्स के बिल्कुल बगल में पहुंचते हैं। ये देखिए, धीरे से रन अप, लंबे कद से रिलीज और कंधा पूरा लगाते हैं, फिर से एक बार खेल दिया और मुझे लगता है ये भी चौका जाएगा। बिल्कुल हाँ, ऑन साइड पर दो बॉल दो चौके। लंबे कद के खिलाड़ी गेंदबाज रिलीज बहुत ऊपर है और उसके साथ कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और शुभम सर को खेलने में कोई परेशानी नहीं। दो गेंद दो चौके, अगली गेंद में देखते हैं क्या करते हैं। अनुज हैं बॉलर, दो नंबर जर्सी के साथ, पहला ओवर लेकर आए हैं। अगली गेंद के लिए तैयार, इस बार थोड़ी लंबी और उठा के खेला है। तीन बॉल तीन चौके, आर्यन क्षेत्री मैदान में पहले ओवर में शुभम कनौजिया की आतिशबाजी।
12 2 14 और एक 15 रन, पहला ओवर 15 रन। अगली गेंद स्ट्राइक पर शुभम कनौजिया, अच्छी गेंद थी, खेला है, फील्डर वहां मौजूद, हाथों में बिल्कुल रन लेना चाहते थे लेकिन यहां तो रन नहीं था, बिल्कुल वापस किया शुभम कनौजिया ने। देख के खेलेंगे, देख के स्ट्राइक पर शुभम कनौजिया, पहले ओवर में 15 रन, 3 चौके आए थे शुभम सर के बल्ले से शुभम कनौजिया, और इस बार फिर से थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉलर के बिल्कुल पीछे, अच्छा ओवर ये अगर देखा जाए फील्डिंग टीम की तरफ से। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक शुभम सर के पास रहेगी। अगली गेंद हिमांशु, और ये निकला चौका, और अर्पित राठी सामने दिख रहे हैं, प्रो प्लेयर हैं रेंज पैंथर्स में। हिमांशु स्ट्राइक पर चौका आया, फिर से वही बॉलर लंबे कद का, फिर से ये हाथ में है बिल्कुल, और ये झूठा, आज आज इसको भुनाना होगा, हिमांशु को इसको भुनाना होगा, आज आज बिल्कुल भुनाना होगा इसको। तीसरे ही ओवर में बिल्कुल हाथ का कैच था, राणा जी वहां पर थे 7 नंबर जर्सी के साथ, तो आज हिमांशु को इस कैच को भुनाना होगा, इस मिसफील्ड को भुनाना होगा आज हिमांशु को। चौका जरूर मिला था, दूर थी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन है पीवीडी। अच्छा स्टार्ट आज भी, एक मौका बना था हिमांशु, राणा ने कैच मिस किया था। हिमांशु स्ट्राइक पर, ऊर्जा कप का ये 5वां संस्करण, और ये बिल्कुल वहां फील्डर मौजूद है, और ये मिस फील्ड जरूर हुई थी लेकिन बॉल अंदर ही, वापस भेजा, और ये अच्छा कॉल, अच्छा कॉल शुभम कनौजिया, उन्होंने वापस भेजा, एक रन। स्ट्राइक पर आए हैं शुभम, आज चौहान सर भी गेम का पूरा आनंद ले रहे हैं बाहर से, अक्सर हमारी टीम से खेलते हैं आज, लेकिन एक अलग उसमें दर्शक के रूप में है यहाँ पर टीम को सपोर्ट करने के लिए। हल्के हाथों से बहुत अच्छा, और ये मिसफील्ड हुआ, पहला रन तेजी के साथ लिया और दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और ये 2 रन पूरे किए आसानी से दोनों ने, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी। ये शुभम सर के बल्ले से निकला था 6, पहला छक्का आया टीम के लिए, और शुभम सर के बल्ले से अच्छी बैटिंग, आक्रामक बल्लेबाजी है दोनों की। फिर से एक बार खेला है, फील्डर मौजूद वहां पर, वापस भेजा, बहुत बढ़िया, अच्छा। टीम में आज बहुत गर्मी है, NIPBD के खेमे में अगर देखा जाए तो बहुत गर्मी है आज, देखिए किस तरह से सब लोग बसंत पंचमी की इस सर्द सुबह में अच्छी बैटिंग खेलते हुए स्ट्रेट खेला बिल्कुल, स्ट्राइक बदली, हिमांशु स्ट्राइक पर आए हैं। ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, बॉलिंग में चेंज, सामने शुभम कनौजिया, लेफ्ट आर्म, और अपील हुई है, और ये फुल टॉस पे LBW, और पहली गेंद पर विकेट लिया, पहला विकेट गिरा NIPBD का 46 रन पर, और अब आएंगे अंकुश, ऑल द बेस्ट अंकुश भाई। LBW अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाउंड्री जा रही थी, फुल टॉस थी, लेफ्ट आर्म अंदर की तरफ आ रही थी बॉल, बीट हुए, लंबी हिट खेलना चाहते थे, पहला झटका शुभम कनौजिया के रूप में NIPBD को, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बहुत अच्छी बैटिंग, वेल प्लेड सर, वेल प्लेड, अंदर आई बॉल, अंकुश पहले खेला ऑफ में, रन लेना चाहते थे, मना किया, पहली बॉल थी डिप हो रही थी नीचे, प्रो प्लेयर हैं NIPBD,
11 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगली गेंद। आज बैटिंग, आज बल्ला चलाना होगा क्योंकि अभी तक अंकुश भाई का बल्ला नहीं चला है बॉल से। बहुत 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी शुभम कनौजिया, अंकुश और नरेश नयाल। अच्छी गेंदबाजी, स्विंग बहुत ज़्यादा, इवन हवा में भी बॉल लहराते हुए। रेंज पैंथर्स स्ट्राइक पर हैं हिमांशु और उनका साथ दे रहे हैं अरुण। और ये अच्छा कैच हिमांशु, और एक झटका NIPBD 11 को, उनकी बाईं तरफ था और जाके कैच पकड़ा। हिमांशु आउट होकर बाहर आ रहे हैं, हिमांशु आउट होकर बाहर आ रहे हैं। और अगले बल्लेबाज तरुण अगले बल्लेबाज। वेल प्लेड हिमांशु, जबरदस्त बॉलिंग हो रही है रेंज पैंथर्स की तरफ से। अगले बल्लेबाज तरुण और अरुण पहले से ही क्रीज पर। अरुण ने एक रन से अपना खाता खोला, सामने अब अरुण। अगली गेंद लंबा कट, अपील हुई है लेकिन लेग बाय। थोड़ा देख करके यार प्लीज, अभी खेलना है। फिर से एक रन, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर अभी भी अच्छा है। अगर विकेट टिक गए तो बैटिंग लाइनअप अभी भी है, तो संभल कर खेलना होगा NIPBD 11 को। तरुण और अरुण, सामने अरुण, नॉन स्ट्राइक रन पे तरुण। अगली गेंद फिर से लेफ्ट आर्म, जाने दिया वाइड बॉल का इशारा, और एक झटका NIPBD को तरुण के रूप में। अगले बल्लेबाज हरीश पवार, 10 नंबर की जर्सी में आज। तरुण ड्रिंक्स मैदान में, और ये झटका तरुण के रूप में NIPBD 11 पर। हरीश पवार लेफ्ट आर्म फिर से खेला है, और ये बोल्ड, और एक झटका हरीश पवार के रूप में, और एक झटका। अगले बल्लेबाज नवनीत लेफ्ट आर्म बहुत हिल रही है बॉल, और उसके बाद ये सफलताएं एक के बाद एक टीम NIPBD। अगले बल्लेबाज नवनीत, हरीश पवार आउट होकर बाहर आ रहे हैं। अरुण अभी भी क्रीज पर, परमिल चौधरी बिना खाता खोले बाहर आ रहे हैं। सामने अब गए हैं मेहता और नवनीत, दोनों क्रीज पर। अंतिम जोड़ी मैदान में नवनीत और मेहता जी, और अभी स्कोर पहुंचा है 92, 12.5 ओवर्स, एक बॉल अभी भी शेष, और 7 विकेट ले चुके हैं अंकुश हैट्रिक के साथ। और ये ओवर की समाप्ति, अंतिम जोड़ी है मैदान में NIPBD 11 की। सामने नवनीत, लंबे कद के बॉलर फिर से, और ये पहली ही बॉल पे बोल्ड, और इस तरह से 92 में सिमटी पारी NIPBD 11 की। थर्टीन पॉइंट वन
मैच हुआ ख़त्म और हार गई है NIPBD 11, लेकिन अच्छा खेला सभी ने। चार मैच खेले लीग के और दो जीते हम। और अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी का इंतज़ार और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले, लेकिन अभी बहुत बाकी है, होप देखते हैं क्योंकि बाकी मैचेस होने हैं हमारे ग्रुप में अभी। सो फिलहाल प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी उसके बाद पहले तो मैं आज के मैच का बता दूं कि काफी तरफा मैच रहा और आवाज आ गई। हेलो मैंने तो अपने बहुत ही शानदार जीत दर्ज करी उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा मैं उसे कप्तान माँ को सारा को अरे अरे ये मैच हम जीतने के लिए ही आए थे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पूल में इनकम टैक्स हमसे नीचे थी, लेकिन आज जैसे कि हम हार गए तो इनकम टैक्स नंबर 2 पे आ गई। तो हर कोई जीतने के लिए ही खेलता है, लेकिन आज जो है रेंज पैंथर्स ने हमसे अच्छा गेम खेला वो जीत गए और पूल में अभी टॉप पर। तो आगे भी हम NIPBD वॉरियर्स को ऐसे ही लेकर चलेंगे। नई टीम है, अच्छा खेल रही है, सब अच्छा खेलते हैं, तो धीरे धीरे ही एक्सपीरियंस आएगा सभी को खेलने का। और मैं अपनी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऊर्जा कप जैसे इतने अच्छे खासे बड़े टूर्नामेंट में उतर करके 2 जीत उन्होंने हासिल करी है। देखिए बिल्कुल रवि ब्रिज जी की कमी तो हमें खली है क्योंकि वो हमारे वन ऑफ द मेन बॉलर्स हैं, स्टार्टिंग बॉलर्स हैं, स्टार्टअप देते हैं हमें। और रहा बैटिंग का सवाल, तो स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसा कि है कि क्रिकेट लक बाय चांस, एक ही बॉल होती है आउट करने के लिए भी बाउंड्री के लिए भी। तो हाँ आज जो लक था रेंज पैंथर्स की तरफ ज़्यादा था, तो उन्होंने विकेट्स ले लिए। हाँ स्कोर हम अच्छा कर रहे थे, बट फॉल ऑफ विकेट्स बहुत जल्दी हो गया जिस कारण हमारी टीम ऑल आउट हो गई। विनिंग टीम कैप्टन आगे के मैच हम अच्छा खेलेंगे, अब फिर जाके और अंकुश जैसा आज खेले हैं आगे भी हम चाहेंगे इसी तरह खेलते रहें। तो क्या गेंदबाजी में कुछ बड़े बोलेंगे अंकुश के बारे में, क्या खासियत थी आज, क्या विकेट से मिल रहा था साफ विकेट, बहुत बड़ी बात होती थी बॉलिंग में लेना, तो बहुत ही तालियों का काबिल है। आपका
पहले तो मुझे आपका ऑर्गेनाइज करने के लिए क्योंकि ये फिल्म टेंशन है फिल्म भाई आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है। एक सफल आयोजन है उसके लिए पहले और बधाई रैन पैंथर्स को जिस तरह से देख रहे हैं हम सुबह में बात कर रहे हैं और आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और खासकर जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि रन बिल्कुल हाँ आपको पता है एज अ बॉलर बोर्ड पर रन चाहिए होते हैं तब जाके आप कुछ कर पाते हैं लेकिन हमारी टीम जो टीम NIPBD है सब नए लड़के हैं खेल रहे हैं। हिमांशु आपको पता है कि डिफेंड खेल रहा है उसके बाद काफ़ी अच्छा खेल रहा है ऊर्जा कप में लगातार परफॉर्म भी कर रहा है। रवि की कमी खली क्योंकि हमारा स्ट्राइक बॉलर है और आज रन्स अच्छे आ रहे थे लेकिन मुझे खुशी है कि जो हमारे ओपनिंग जोड़ी है हिमांशु और शुभम कनौजिया ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मिड में हमारे लिए अरुण बहुत उभर कर आया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से अगर खेलते रहे तो वॉरियर्स बहुत आगे जाएगी क्योंकि अब हमें मतलब अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ मिलने लगा है अमित शर्मा जो कि मैनेजर हैं काफ़ी होकर है तो पूरा जब संस्थान का साथ होता है किरण भाई आपको पता है कि बहुत होता है और पुलिस को बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए आपको बहुत बहुत बिल्कुल जैसा कि आपने कहा पिछली बार एक ऊर्जा कप हमको एक प्लेटफॉर्म दिया था और उसके बाद इस बार हम पहले से ही डिटरमिन्ड थे कि खेलना है करके और चार मैच आपको खेलने को मिल रहे हैं लीग में और उसमें से अगर आप दो जीतते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। और दूसरा ये कि जिस तरह से हिमांशु थापा टीम को लेके चल रहे हैं उनको कैप्टन बनाने का हमारा एक मेन यही है कि सारे प्लेयर्स पसंद कर रहे हैं और उसके बाद उनकी कप्तानी जो है एक्सपीरियंस प्लेयर हैं बहुत बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसी तरह से खेलते रहेंगे और NIPBD उभर कर आ रही है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा मैचेस खेल पाएँ जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे उतने ही अच्छे निकल कर आएंगे। सात विकेट अंकुश रैन पैंथर्स का बहुत मायने रखते हैं T20 में सात विकेट अपने आप में एक बिल्कुल अलग ही लेवल मैन ऑफ द मैच भी हैं सात विकेट। कॉन्ग्रेट्स अंकुश भाई बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। उत्तराखंड पुलिस से रैन पैंथर्स उत्तराखंड पुलिस की यह टीम ऊर्जा कप में बहुत अच्छा कर रही है और सात विकेट T20 में और बाकी जो है डबरा भाई ने बोला कि विकेट पकड़ के बॉल करना वो पछतम मैं करता रहा तो हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं देखते रहते हैं मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं टीम की पूरी कमेटी की टीम और इसको सीख के हमने कॉर्पोरेट क्रिकेट को भी शुरू किया क्या बात है अब हम कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट का भी लेवल बढ़ा रहे हैं और इसी के थ्रू हमने उसको थोड़ा इससे सीखते हैं इसको बुलाते हैं इससे पूछते हैं मीटिंग्स में भी हमारी आता है और इनके बाकी टीम भी है जैसे रवि ब्रिज हो गए ये लोग सब हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सर ये एक प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए जिनका क्रिकेट ख़त्म हो चुका है जो हम ऑफिशियल लाइंस में जुड़े हुए हैं थोड़ा मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए थोड़ी दोस्ती यारी बैठने के लिए माहौल बनाने के लिए और बिल्कुल बिल्कुल कभी टूर्नामेंट्स मिस करें उसको दोबारा से दोबारा खेलने के लिए बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बाबा के बारे में बता दूं, हम दोनों क्रिकेट बोर्ड ने एक साथ स्टार्ट करा था और मेरा सीनियर प्लेयर है, तो यही मेरे को क्रिकेट में लेके भी आया था। पहले मैं कोस्ट क्रिकेट से खेला करता था, अमदीप साहब खेलते थे, तो भाई ने बोला कि यार कोस्ट से कहाँ खेल रहे हो, हमारे साथ खेलो। तो बहुत अच्छी बात है, सन 2000 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तब से हम साथ जुड़े हैं और आज दोनों अभी भी साथ खेल रहे हैं। तो ये मेरे बाबा की बात है कि मैं साथ खेल रहा हूँ। क्या बात है, ये हमारे लिए खुशी की भेंट है, गाऊंगा तुम लोग को जवाब दे जाएगी। आर्यन छेत्री से अब हम वापस अपने संस्थान की तरफ। आज अंतिम लीग मैच और ये फाइटर ऑफ द मैच, एक याद हालांकि मैच जीते हैं। तो अब हम यहां से वापस जाएंगे। ऊर्जा कप का ये पांचवा संस्करण बहुत बढ़िया चल रहा है, 5th एडिशन है ऊर्जा कप का, और किरण भाई ने बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। सो थैंक यू किरण भाई,